दुनिया का सबसे विशाल इस्कॉन मंदिर हो रहा है भारत में तैयार। आखिर इस्कॉन ने अपना सबसे बड़ा मंदिर बनाने के लिए भारत को क्यों चुना? पश्चिम बंगाल के मायापुर के नदिया में बनाया जा रहा है इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर, जिसका निर्माण पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। इस विशाल मंदिर को द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम का नाम दिया गया है, जो अपने आप में ही खास है। मंदिर का निर्माण 1,00,000 वर्ग फीट में किया जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ किलो का सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, जो कि अपने आप में बेहद दिलचस्प तथ्य है। इस मंदिर का निर्माण करते हुए टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा गया है। मंदिर का लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में किया जाएगा। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर की एक मंजिल में एक बार में ही 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। इस विशाल मंदिर में खास तौर पर ब्लू बोलिवियन मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है ये मंदिर पूर्वी और पश्चिमी कलाकृतियों का मिश्रण होगा। इस मंदिर को बनाने के लिए केवल भारत के नहीं बल्कि बाहर देश के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे बोलिविया, फ्रांस, इटली, वियतनाम। ये तो बात हो गई मंदिर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। अब बात जानते हैं आखिर इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर बनाने के लिए मायापुर को ही क्यों चुना गया। इस्कॉन के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु का जन्म मायापुर में हुआ था। मंदिर के संचार प्रमुख सुब्रतो दास का कहना है, हमारे आचार्य प्रभुपाद कुछ ऐसा निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व को मायापुर की ओर आकर्षित करे। वे चाहते थे मंदिर के दरवाजे सभी समुदायों, सभी जातीय पृष्ठभूमि, सभी धार्मिक पृष्ठभूमि के लिए खुले रहें। हर तरह के लोग यहाँ आ सकते हैं। मंदिर के लोगों का कहना है, प्रभुपाद जी ने 1976 में अमेरिका यात्रा के दौरान कृष्ण और चैतन्य की याद में बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने की बात कही थी, जिसे आज के समय में इस्कॉन के शिष्य पूरा कर रहे हैं। मंदिर को कई प्रकार के अलग अलग झूमरों से सजाया गया है। तकनीक के इस्तेमाल में भी द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम ने अन्य दूसरे मंदिरों को पीछे छोड़ दिया है। इस विशाल मंदिर का आकार एक गुबंद की तरह है, जो विश्व के किसी भी मंदिर का सबसे बड़ा गुबंद होगा। इस मंदिर का उद्देश्य है कि तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया में वैदिक ज्ञान का प्रसार प्रचार किया जाए। दशकों से तैयार किए जा रहे इस मंदिर का निर्माण साल 2022 को पूरा हो जाएगा। अब इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है। आप भी इस विशाल मंदिर के दर्शन पाने के लिए तैयार रहें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।